आपको कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, एड्रेस मिल जाएगा। हम आ चुके हैं कैसे शॉप पर, जहाँ पर ये गिम्बल वगैरह जो है वो मिलते हैं होलसेल एंड रिटेल रेट में, यानी कि केजी के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर एक दो पीस चाहिए तो भी मिल जाएंगे। और ये सब क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए है। आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके का सामान है। आइए हम चलते हैं यहाँ दुकान पे और बात करते हैं यहाँ के ओनर से कि आखिर जो यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दो डंबल वगैरह मिलते हैं, फिर बताइए क्या क्या मिलता है। डंबल मिलता है, रॉड भी मिलता है और एक्स डंबल भी मिलता है, रबड़ ब्लेड भी है। सिर्फ रिटेल में डील करते हैं या सिर्फ होलसेल में करते हैं या दोनों करते हैं? दोनों करते हैं। ये सब देखिए गिम्बल वगैरह काफी भारी है। क्या है, कितने रुपए ये केजी वगैरह पे है? क्या रिटेल में 65 भी चलता है, 66 भी चलता है, ऐसे चलता है जैसे 65-66 ये रिटेल में चलता है किलो। अब यहाँ पे जो है आपको होलसेल एंड रिटेल दोनों में मिलता है। देखो ना, फिलहाल जो है मैं आपको रिटेल रेट बताऊंगा, लेकिन बता दूंगा आपको, आइडिया दूंगा कि यहाँ पे जो है होलसेल रेट जो है कितने का फर्क होता है। बड़ा वाला उठता भी नहीं है। कितने रुपए केजी है ये? भारी है, नंबर काफी भारी है। कितने रुपए केजी होगा सर ये? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप होलसेल में ज्यादा माल लेंगे थी 62 लगाते हैं। अच्छा, तो ऐसे तो 65 चलता है, जो 65 रुपए चलता है। ये रिटेल जो रिटेल रेट जो है वो क्या है, 65 रुपए केजी है। हाँ, हम 65 रुपए केजी है रिटेल रेट है, ध्यान रखिएगा। होलसेल में 10-15 रुपए जो है लगभग कम हो सकते हैं, वो बात करने के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये 65 रुपए केजी है, ये भी 65 रुपए है, और ये वाला हल्का है हम उठा लेते हैं, ये भी 65 रुपए केजी है। तो ये क्या होता है सर, ऐसे स्टील है, लोहा है, किस टाइप का लोहा होता है ये? ये क्रोम होता है। निकल क्रोम। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके का है, और ये जो है खुल जाता है, नहीं इसमें अगर भारी लगाना चाहे तो लग जाएगा। ठीक है, फुट के हिसाब से कितने रुपए फुट है? लगभग 80 रुपए फुट है ये। 80 रुपए फुट है, तो ये मेरे ख्याल से जो है ये 5 फुट के आसपास है, तो 80 × 5 = 400 रुपए के आसपास का है। पर दाग देता नहीं है। ठीक है, ये लगभग 400 रुपए के आसपास का है, लेकिन अगर वजन में बताऊं तो लगभग जो है 7-8 किलो होगा, 7 किलो के आसपास जो है होगा। ठीक है, और एक ये आ जाते हैं इस तरह, ये कितने रुपए केजी है सर? ये 48 रुपए केजी। कितने रुपए? 48 रुपीस है। ठीक है, और इसमें कई क्वालिटी आ जाते हैं, और एक ये है प्लास्टिक वाली, ये कितने रुपए पड़ते हैं सर? ये 20 रुपए केजी आ जाता है। ठीक है, और ये आ जाता है इसके साइड में लगाने वाला चक्का, तो ये क्या पड़ता है पर पीस सर? ठीक है, हिसाब से आता है, ये देखिए 2 केजी, ये 20 रुपए का है। 40 रुपए। 40 रुपए, 20 रुपए केजी। इसमें भी क्वालिटी आता है क्या, कम ज्यादा? एक पीवीसी होता है, वो कम रेट का होता है। ओके, इससे बढ़िया भी आता, है। ये मैं 90 रुपए केजी है। ऐसा क्या खास है इसमें? रबर कोटेड है, इम्पोर्ट है। ठीक है, तो काफी अच्छी क्वालिटी में। दोस्तों यहाँ पे अभी हमने जो भी बताया आपको, एक रिटेल रेट बताया है। ठीक है, आप होलसेल के लिए बात कर सकते हैं, वल के लिए बात कर सकते हैं, और ये सब जो है केजी के हिसाब से आपको मिलते हैं। ये जैसा कि 65 रुपए भी मिल जाते हैं, इसमें 60 रुपए भी आते हैं, क्वालिटी भी होते हैं, 2-3 क्वालिटी होते हैं। और ये जो है शॉप जलंधर फुटबॉल चौक पे स्थित है, नियर रेलवे स्टेशन जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन है, या फिर जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। इस तरह के जो है आपको बहुत कम दुकान जो है देखने को मिलेंगे, कुछ चुनिंदा दुकान जो है सिर्फ इस तरह के आइटम में डील करते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इनका जो है फैक्ट्री भी है। और यहाँ पे मैं एक और आइटम देख लेता हूँ, तो ये जो है क्या है, ये काफ़ी भारी है, 10 केजी का है। ठीक है, और ये कितने रुपए का सर? 75 रुपए केजी है। ठीक है, ये कितने रुपए का सर? ये 350 रुपए का है। कितने मीटर में है ये? 200 मीटर। ठीक है, और ये कितने रुपए का है? एक और दूसरा क्वालिटी भी है वो हम देख लेते हैं, ये कितने का है? 250। ये 250 रुपए का है, क्वालिटी का फर्क होगा नहीं? ये पतला है, मोटा है। ठीक है,
बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही चुका होगा इस शॉप पे। इसी तरह के आइटम जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए जो है ईमानदारी के साथ वीडियो लेकर आता हूँ। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैंने सुन को इजाज़त। जय हिंद।